हमें इस बात की खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक और सांसद और कई पदाधिकारी झूठे प्रकरण कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थकों और नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे शिकायत पर कोई काम एक्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रीगणों ने पद लेते समय संविधान की और ईश्वर की शपथ ली थी कि निष्पक्षता से काम किया जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। और दुख इस बात का है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस भारतीय संविधान और न्याय और नियम और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और झूठे प्रकरण बनाने में सहयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया जिले का, जो कि माननीय गृह मंत्री जी, जेल मंत्री जी, कानून मंत्री जी और न जाने कितने और मंत्री उनके पद है, मैं नहीं जानता, नरोत्तम मिश्रा जी के पास प्रवक्ता भी है, शिवराज सिंह चौहान जी के खास प्रवक्ता आजकल नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनके जिले में 50 से ज्यादा झूठे प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। वही तो प्रकरण दर्ज कराते हैं, वही जेल में उत्पीड़न कराते हैं, यहां तक कि एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वो भी ब्राह्मण, उसको सीवेज का पानी पिलाया गया जेल के अंदर, सीवेज का, और जमानती नहीं हो पाती। इन सब बातों को लेकर इस समिति ने तय किया है कि तहसील स्तर के रेवेन्यू केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रशासन ने, पुलिस ने जो झूठे प्रकरण हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के खिलाफ लगाए गए हैं, उनके बारे में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से जाके मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम दतिया जिले के सारे प्रकरण तैयार करेंगे। और राजेंद्र भारती जी जो चुनाव लड़े थे, केवल 3,500 वोट से हारे थे, 2,500 वोट से हारे थे, जो कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता हैं, और 1977 में इनके पिता और हम लोग साथ में एमएलए बने थे, श्याम सुंदर श्याम जी, इनके पूरे परिवार पर झूठे प्रकरण और ऐसे प्रकरण बना दिए कि जिनसे उनकी मुलाकात नहीं, उनसे शिकायत करके उनके ऊपर केस लगा दिया, जेल भेज दिया, जमानत नहीं होनी, बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई। दतिया जिले के केसेस को इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे दतिया जिले के उत्पीड़ित परिवार हम इकट्ठे करेंगे, ले जाएंगे, और उसके बाद कमलनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं के खिलाफ प्रकरण हुए हैं सागर संभाग में, चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में, पब्लिक मीटिंग हम करेंगे और जमीन की लड़ाई नरोत्तम मिश्रा जी और भाजपा और उन सारे अधिकारी कर्मचारी जो कि गुलाम की तरह काम कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी के, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। कितनी संख्या आ गई है सर प्रकरणों की, या आपने कुछ मंगाई है सर वहां से संभाग वाइज? सर संभाग वाइज मंगाई है, लगभग 50 से ज्यादा हमारे पास जानकारी आ गई है, उनका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, और हर जिले में कांग्रेस के जो सपोर्टेड वकील हैं उनका टीम बनाई जाएगी। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के हाईकोर्ट में हमारी सीनियर एडवोकेट की टीम बनाई जाएगी, और ये लड़ाई
अब इंडिविजुअल कार्यकर्ता की नहीं होगी, पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इन लोगों के लिए। निश्चित तौर पर करेंगे और पहली हम पहला आंदोलन स्वरूप होगा दतिया में। लीगल सेल को लेकर आपने कहा कि हाई कोर्ट में केवल एक ही जज के पास हमारे प्रकरण जाते हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है जी। तो सर इसको लेकर भी कुछ आप लोग उसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। तो सर ये क्या सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, मतलब शिवराज जी का इसमें कोई लेना देना? शिवराज जी का भी है, उस पर अध्याय नंबर 2 चालू होगा। अभी पहला अध्याय नरोत्तम मिश्रा जी का है, हम लोग उसमें शिवराज पुराण शिव पुराण जो है हमारी चालू हो गई है और शिव पुराण के सारे केसेस हम इकट्ठा करेंगे और इनकी शिकायत शिवराज सिंह चौहान से नहीं करेंगे, नड्डा से जाके शिकायत करेंगे। जांच के लिए होम मिनिस्टर किस चीज की मांग कर रहे हैं जी? निश्चित तौर पे मांग करेंगे। सर आपके खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ है भोपाल में? जी हाँ, एक नहीं हुआ, 4 हुए हैं और उसकी ये मेरे पास है। और क्या केस है कि एक ट्वीट मैंने किया जिसमें मैंने लगा दिया था कि मुजफ्फरपुर की एक घटना में कुछ लोग मस्जिद पर झंडा लगा रहे हैं, उस बात को लेकर मैंने ट्वीट किया था। लेकिन प्रश्न था खरगोन का और मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या जुलूस निकाले की परमिशन ली गई थी, नंबर एक, क्योंकि खरगोन में 2 रामनवमी के जुलूस निकले थे, एक शांतिपूर्ण निकला जो कि हमेशा से चला आ रहा है और दूसरा जो है बाद में निकला। पहले वाले शांति जुलूस में शांतिपूर्ण ढंग से निकला, रामनवमी के जुलूस में वहां के रघुवंशी समाज निकालता है, वहां के सारे मुसलमानों ने पानी पिलाया, शरबत पिलाया, बड़ी आसानी से निपट गया। उसके बाद फिर ये घटना हुई। इस मामले में जो भी है प्रक्रिया है, हम इस बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं कह सकते, लेकिन पूरे देश में प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिकता भड़काई जा रही है, इस बारे में हमारे चिंतन शिविर में भी चर्चा होगी और कमलनाथ जी से भी इस बारे में चर्चा हो रही है, उसके बाद कोई ना कोई स्वरूप बताया जाएगा। और जहां तक फैब्रिकेटेड केस का है, जिन धाराओं में मेरे ऊपर लगा है उन्हीं धाराओं में लगभग 40 जिलों में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमने FIR दर्ज की और भोपाल के अंदर मैंने निजी तौर पर की है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं इस मामले में इस्तगासा करूंगा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। अच्छा सर, ये जो सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म फैल रही है मध्य प्रदेश में, सर यू थिंक कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इसके लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि आप लोग भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस निकाल के? ये बिल्कुल, आप ये देखिए, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्कुलर निकाला है, निवेदन किया है कि आप रामनवमी मनाइए, हनुमान जयंती मनाइए, रोजा इफ्तार भी करिए, हम लोग हमेशा करते आए, कब नहीं किया है। पीसीजी कार्यालय में गणेश जी सब बिठाए जाते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति बिठाई जाती है, नवरात्रि का होता है, हमेशा जो होता है, सालों से हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हम लोग इस तरह, ये कोई बात नहीं, ये तो धार्मिक उन्माद और धार्मिकता में फर्क है, धर्मांधता और धार्मिकता में फर्क है। लेकिन आज विषय हमारा जो है, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का, इसलिए आगे इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। वो बात मुझे कोई शूट नहीं है आज। सर नीमच में जो आपने बयान दिया उसको लेकर बीजेपी के लिए आपत्ति जनक है और अपराधी के, इस पे हम मुकदमा दर्ज करिए ना। आपको बयान पे क्या कहना? नीमच करिए, बात ये है, पहली बात तो संदीप सिंह जी, ये विषय आज का नहीं है। ANI को अगर कुछ अलग से टाइम लेना है मैं दे दूंगा। दिग्विजय सिंह हमेशा ट्वीट करते हैं तो चर्चा में, सर उनका दिग्विजय सिंह उन्हें अति प्रिय है। धन्यवाद।